हेलो यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका नाम है डांस ऑफ द डेड। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना वक्त को जाये किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक कब्र खोदने वाले को दिखाया जाता है, जो कि एक कब्र के बाहर से निकल रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और जब वो उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है और कब्र के पास जाता है, तभी कब्र से एक हाथ बाहर निकलता है और उसके गले को दबोच लेता है। लेकिन पास में एक कैंची पड़ी होती है, तो वो कब्र खोदने वाला जल्दी से उस कैंची से उस हाथ को काट देता है, जिस कारण उसकी जान बच जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रॉम नाइट का फंक्शन होने वाला था और वहीं पर सभी स्टूडेंट्स डांस और गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन होता है, और वो ग्वेन नाम की लड़की के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ प्रॉम नाइट पे डांस करोगी, जिस पे ग्वेन बोलती है कि मैं तो किसी और के साथ जा रही हूँ। और दरअसल ग्वेन बैंड के मेंबर नैश के साथ प्रॉम में जाने वाली होती है। अब ये बात सुनकर स्टीवन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, और फिर उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कि स्काईफाई के मेंबर होते हैं, और उसको भी वहाँ पर चलने के लिए बोलने लगते हैं। अब इसके बाद कहानी में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंडसे होता है, और तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे प्रॉम नाइट में जाने के लिए पूछता है। अब ये सुनते ही वो तुरंत उसे मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने दोस्त जिमी के साथ जाने वाली हूँ। तो वो लड़का उसके दोस्त जिमी का तभी मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा दोस्त पिज्जा डिलीवरी बॉय है और वो तुम्हें अपनी उसी पिज्जा वाली गाड़ी में ही ले जाएगा, क्या तुम यही चाहती हो? उसके बाद हम जिमी को देखते हैं और वो हर बात को बस मजाक समझता होता है, और इसी कारण उसकी फ्रेंड लिंडसे उसे ब्रेकअप कर लेती है और उसके साथ प्रॉम नाइट में जाने से मना कर देती है। और अब हम देखते हैं कि वो उसी लड़के के साथ प्रॉम नाइट में जाती है, और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसे सिटी के बाहर एक कब्रिस्तान में लेकर जाता है, और वहाँ पर उसके स्काई फाई क्लब के मेंबर भी आए होते हैं और जिनके साथ स्टीवन भी था, और वो लोग अपने फ्रेंड के अंकल के डेड बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं जिनकी सिविल वॉर के कारण डेथ हो गई होती है। और जब वो लोग अपने फ्रेंड के अंकल के कब्र के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो ताबूत होता है वो बिल्कुल खाली होता है, और ये देखकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी उनके पास में एक मरी हुई डेड बॉडी आती है और उन पर हमला कर देती है, और ये डेड बॉडी अब कहीं ना कहीं जॉम्बी में बदल चुकी होती है, और ये देखकर वो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद हम लिंडसे और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि गाड़ी में होते हैं, और तभी जॉम्बी वहां आते हैं और लिंडसे के फ्रेंड को लेकर जाने लगते हैं, और ये देखकर लिंडसे जो होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तभी वहां पर बहुत सारे जॉम्बी आकर के उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और हम देखते हैं कि उन्होंने लिंडसे के फ्रेंड को भी अब मार दिया होता है। और वहां पर दूसरी तरफ जो स्काईफाई क्लब के मेंबर होते हैं वो अपनी जान बचाकर किसी तरह से बस भाग रहे होते हैं। तभी उनको वहां पर कब्र खोदने वाला मिल जाता है, जिसको हमने मूवी के एकदम शुरुआत में देखा था। वो जॉम्बी को मार देता है और उन सबको बचा लेता है। वो सभी स्टूडेंट ये देखकर समझ जाते हैं कि हो ना हो इस बात का पता इसे पहले से ही था, और जब वो लोग इससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि देखो मैं बस अपने काम से काम रखता हूं, और उनको बताता है कि अगर तुम्हें कहीं ना कहीं इन सारे जॉम्बीज से बचना है और ये तुम्हें मार ना दे तो तुम्हें उनके सिर पर वार करना होगा और इससे वो जॉम्बी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बस अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, और अब जितने भी मुर्दे होते हैं वो सब के सब जॉम्बी बन चुके होते हैं और बाहर आ चुके होते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ लिंडसे को भी देखते हैं, जिसको जॉम्बियों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से तभी भागने लगती है, और साथ साथ वो स्काईफाई क्लब के मेंबर को भी बचा लेती है, और यहीं पर अब सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम वापस से जिमी को देखते हैं, जो कि घर में पिज्जा डिलीवर करने गया होता है, और तभी वो देखता है कि उस घर के सभी लोग अब जॉम्बी बन चुके होते हैं, और इसके लिए वो लोग जिमी पर कहीं ना कहीं हमला करने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से जिमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। और रास्ते में उसको तभी कायल मिलता है, जो कि जॉम्बियों से काफी ज्यादा डरा होता है। ये देखकर जिमी उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन कायल उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको ही मारने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिमी उसका मजाक उड़ा रहे। और हम देखते हैं कि इसी बीच दो जॉम्बी जिमी की गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं, और बहुत सारे जॉम्बी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं कि तभी कायल हिम्मत करके अपनी गन को बाहर निकालता है और जॉम्बी को शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन भी वहां पर आ जाती है और एक जॉम्बी उस पर भी हमला करके उसे खत्म करने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि इधर कायल की गन की गोलियां जो होती है वो अब खत्म हो चुकी होती है, और ये लोग बिना हथियार के ही किसी तरह से उस जॉम्बी को फिर भी मार देते हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्काईफाई क्लब के मेंबर को देखते हैं जो कि पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कॉल लग ही नहीं रही होती है और फिर उनकी गाड़ी भी वहीं पर खराब हो चुकी होती है जिस कारण वो लोग वहीं पर बेचारे फंस जाते हैं। तभी लिंडसे को जिमी की गाड़ी आती हुई दिखती है जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन उस गाड़ी में जिमी नहीं होता है, होते हैं तो दो जॉम्बीज और तभी जब ये लोग जॉम्बीज को देख लेते हैं तो एक घर में जाकर छिप जाते हैं और तभी जिमी लिंडसे को कॉल करके बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए ना आ जाऊं तब तक तुम उसी घर में रहना। और फिर जिमी काइल और ग्वेन के साथ नाले के रास्ते से ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि कब्रिस्तान के पास जो एक पावर प्लांट होता है वहां पर कोई अजीब सा लिक्विड होता है जो कि नाले में डाला जा रहा होता है और जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। अब अगले सीन में हम बैंड मेंबर्स को देखते हैं जिन पे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और तभी उनको पता चलता है कि जब म्यूजिक ऑन रहता है तो ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर सकते और तभी वो सब मिलकर जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगते हैं। और इधर जो जिमी होता है ये भी अब लिंडसे तक पहुंच चुका होता है और वहां पर जब सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट सब लोग सेफ हैं। इसके बाद ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो ये लोग एक फ्यूनरल हॉल में होते हैं जिसकी वजह से जो ज़ॉम्बीज होते हैं ये वापस से इन लोगों की ओर हमला करने के लिए आने लगते हैं और तभी ये लोग वहां पर एक ताबूत देखते हैं जिसमें से भी एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और तेजी से इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये लोग उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और एक रूम में जाकर के छिप जाते हैं और तभी उस रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है लेकिन जो ज़ॉम्बीज होते हैं ये बस इनकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं और तभी घबराकर जो ग्वेन होती है वो रूम की लाइट को ऑन कर देती है और तभी उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी नजर आती है और जैसे ही कायल जो होता है वो उस डेड बॉडी को मारने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से वो वहां से गायब हो जाती है क्योंकि वो डेड बॉडी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और अचानक से जब तक ये लोग कुछ भी समझ पाते वो तुरंत इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब ये लोग किसी तरह से उस ज़ॉम्बी से बचकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक और ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है और कायल पर हमला कर देता है और अब कायल भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो गया था और अब वो भी ज़ॉम्बी ही बन गया होता है और वो भी अब इन लोगों को उनके साथ मिलकर हमला करने लगता है। तभी जिमी एक रॉड उठाता है और तुरंत कायल के सिर पर मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद जो लिंडसे होती है ये मदद के लिए अपने बहुत सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को कॉल करती है लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठाता है और इसके बाद इन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसके बाद तभी जिमी अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि हम कब तक यहाँ पर इस तरह से छिपे रहेंगे, अब हमें किसी भी तरह ज़ॉम्बीज का सामना करना ही होगा। और इसके बाद वो लोग ग्वेन की मदद लेते हैं क्योंकि वो बहुत तेज भाग सकती होती है और इसके बाद ये लोग तभी दौड़कर जाते हैं और एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस गाड़ी से कुछ ही दूर जा पाते हैं कि तभी वहां पर उनके जो स्कूल के कोच होते हैं उन्होंने उनकी गाड़ी को एक्चुअली पंक्चर कर दिया होता है और इससे ये लोग बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक्चुअली ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में ज़ॉम्बीज हैं इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इस गाड़ी में ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि उनके स्टूडेंट्स हैं तो वो उन सबसे माफी मांगते हैं और तभी स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि वो सभी प्रॉम पार्टी में जा रहे थे कि तभी ज़ॉम्बी ने उन पर मुकाबला कर दिया। उसके बाद जो कोच होते हैं वो बोलते हैं कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा और इसके बाद जो कोच होते हैं वो उन लोगों को ज़ॉम्बी से मुकाबला करने के लिए कुछ हथियार भी देते हैं और इसके बाद वो लोग कोच को लेकर वहां से निकलते हैं लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो कि बैंड क्लब की वजह से वहां पर इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो लोग म्यूजिक बजा रहे थे और ये देखकर कोच एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और वो बैंड क्लब के सभी मेंबर्स वहां पर तभी सेफली बच जाते हैं और वो लोग भी उनके साथ आ जाते हैं। और जब वो लोग प्रॉम नाइट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर भी सभी लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे इसीलिए वो सभी लोग प्लान बनाते हैं और तभी कोच बोलते हैं कि हम यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज एक साथ मारे जाएंगे और सब लोग अब चारों तरफ से दरवाजा बंद कर रहे होते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल सके। अब वहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए थे जो कि इधर उधर छुपे हुए थे और किसी भी तरह से ज़ॉम्बीज के कॉन्टेक्ट में नहीं आए थे और ज़ॉम्बी नहीं बचे थे तो कोच उनके साथ मिलकर स्कूल में तभी बॉम्ब लगा देते हैं लेकिन गलती से बॉम्ब का जो रिमोट होता है वो नीचे गिर जाता है और नीचे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तभी वहां तक जो कोच होते हैं वो उनका पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर जो जिमी होता है वो उस रिमोट को लाने के लिए सोचता है और सारे फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता है और तभी उसके बाद जो जिमी होता है उसके बाकी फ्रेंड्स वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ जो जिमी होता है वो पार्टी में रिमोट लेने के लिए जा रहा होता है और तभी लिंडसे भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूं लेकिन दोबारा खोना नहीं चाहती और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास देखना चाहती हूं। उसकी ये सब बातें सुनकर जब जिमी वापस से आगे बढ़ता है तो उस पार्टी
घड़ी में उस रिमोट को वो देख लेता है और वो बस उसे उठाने ही वाला होता है कि तभी जो एक ज़ॉम्बी होता है वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जो जिमी और लिंडसे होते हैं उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हैं पूरी हिम्मत से और वो एक एक करके तभी सारे ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहां पर एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़ने लगते हैं जो कि अब इनकी पहुंच से कहीं ना कहीं बाहर होते हैं। तभी उनके क्लब का कोई एक मेंबर आ जाता है जो कि वो तुरंत उस म्यूजिक को ऑन कर देता है और म्यूजिक सुनते ही सभी ज़ॉम्बी अचानक से रुक जाते हैं और जिमी और लिंड से डांस करते हुए रिमोट को बस ढूंढते हैं और दूसरी तरफ हम स्टीवन और ग्वेन को देखते हैं। और तभी हम ये भी देखते हैं कि ग्वेन स्टीवन को बाथरूम में ले जाकर के दिखाती है कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो गई होती है और तभी ये जो स्टीवन होता है ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो उसे प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा और उसके बाद वो स्टीवन को हक करती है और हक करते हुए पूरी तरह से ज़ॉम्बी में अब बदल चुकी होती है और तुरंत वो स्टीवन को काट लेती है जिससे कि स्टीवन भी अब इन्फेक्टेड हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जिमी को रिमोट मिल चुका होता है लेकिन तभी एक जो ज़ॉम्बी होता है उसका पैर वायर पर पड़ जाता है जिस कारण जो म्यूजिक होता है वो बंद हो जाता है और इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरह से एक जगह पर छिप जाते हैं और तभी वहां पर एक सिर कटा हुआ ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर ये लोग अचानक से काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये वही ज़ॉम्बी होता है जो लिंडसे को उस दिन प्रॉम नाइट में चलने के लिए बोल रहा होता है कि तभी लिंडसे जल्दी से उसके सिर पर वार करके उसको वहीं पर खत्म कर देती है और इसके बाद कोई एक बैंड का जो होता है वो दोबारा से वायर को जोड़ देता है और म्यूजिक ऑन हो जाता है। और दूसरी तरफ हम स्टीवन और ग्वेन को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो लोग वॉशरूम में ही एक दूसरे को बुरी तरह से नोच करके खा जाते हैं। इसके बाद हम वापस से जिमी को देखते हैं जिसे रिमोट तो मिल चुका होता है और वो अपने सभी दोस्तों को लेकर के वहां से सेफली निकल ही रहा होता है कि तभी हम वापस से देखते हैं कि ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं क्योंकि किसी रीजन से म्यूजिक वापस से बंद हो चुका होता है। अब ज़ॉम्बी ने एक लड़के को पकड़ लिया होता है और उसे नोच नोच कर वो खा रहा होता है कि तभी एक जो ज़ॉम्बी होता है वो जिमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि लिंडसे जो होती है वो जिमी को फेंक करके कुल्हाड़ी देती है और वो तुरंत कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद जिमी होता है वो लिंडसे को खिड़की से लेकर के भागने लगता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी किसी तरह से बस बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही जल्दी से जो जिमी होता है वो रिमोट को दबा देता है और फिर स्कूल में जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो उसी ब्लास्ट में मर जाते हैं। इसके बाद इन लोगों को ये भी समझ में आता है कि कब्रिस्तान के पास जो पावर प्लांट है उसकी जहरीली गैस के कारण वो सभी ज़ॉम्बीज बने होते हैं और तभी ये लोग फैसला करते हैं कि वो लोग उस पावर प्लांट को भी किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब हम लास्ट में देखते हैं कि वही कब्र खोदने वाला जो इंसान होता है वो अब ज़ॉम्बी की बॉडीज लेने आया होता है ताकि वो उसे हमेशा के लिए दफना दे और अब मूवी यहीं पर इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सस्पेंस और ड्रामा से भरी हुई मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस मूवी की कहानी जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको इस मूवी की कहानी एक्चुअली अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस मूवी की कहानी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिसका नाम है डांस ऑफ द डेड। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।